हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि वो जॉर्डन की गर्लफ्रेंड एमिली वो वहाँ से संजू को मना करके निकल जाती है। संजू ये सब सुनती है तो कहती है, यार ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। तो मैं कहती हूँ, तुम बीच में आई क्यों थी, अब क्या करेंगे। कहती है, यार बट ये लड़की तो बहुत बदतमीज निकली, उसने एक बार भी नहीं सोचा जॉर्डन के बारे में। कहती हूँ, तो वो सब छोड़, तूने जो हरकत की है ना आज मेरे साथ, इसे दोबारा मत कर देना। मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कह तो मैं तेरे पैर पढ़ लूँ, तुझे जो करवाना है करवा ले, लेकिन आज के बाद मुझे इस तरह की हरकतों में फंसा मत देना, वो भी गलती से भी नहीं। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं किस झमेले में फंस सकती थी, समझे। तो संजू कहते हैं कि फिलहाल बाहर चलते हैं, वॉशरूम में काफ़ी देर हो गई है, अक्की और ईशानी को लगेगा पता नहीं क्या ही कर रहे हैं मंदिर। मैं कहती हूँ, चलो हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आके मेरी नज़र ईशानी पे पड़ती है और वो सब देखते हुए कहते हैं, व्हाट द हेल। संजू कहती है, क्या हुआ। ईशानी को देखना, तो उसकी नज़र भी ईशानी पे पड़ती है। तो कहती है, वाव। कहती है, तू वाव कर रही है। कहती है, हाँ यार वाव तो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली ईशानी को मैंने इस तरह सोचा नहीं था। तो मैं कहती हूँ, तूने क्या, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ईशानी इस तरह किसी के साथ जाकर डांस करेगी, वो भी इतना क्लोज होके। तुझे जेलसी हो रही है, ऑब्वियसली मैं प्यार करती हूँ उससे, तो जेलसी तो होनी बनती है मेरी। ये क्या बात होती है, ज़्यादा हो रही है। मगर नहीं, ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बट वो किसी और के साथ इस तरह डांस कर रही है, मुझे बस ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। मैं ईशानी के पास जाती हूँ और ईशानी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती हूँ। तो ईशानी मुझे हल्का सा दूर करती है और वापस से उसके साथ नाचने लगती है। कहती हूँ, यार हाथ हो गई इसकी, तो ये जानबूझ के ऐसे कर रही है या मुझे परेशान करने के लिए कर रही है। तो ईशानी को दोबारा से हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती हूँ और कहती हूँ, देखो तुमने अगर यही सब किया ना, थोड़ी देर में लड़का कुछ बोलने वाला है, और अगर इसने कुछ भी बोला तो मैं इसका मुंह तोड़ने वाली हूँ। तो नाउ योर चॉइस, तुम्हें मुझे सिर्फ चलाना है या फिर इन सारी सिचुएशन से मुझे दूर रखना है। तो ईशानी वहाँ से आ जाती है और आने के बाद तो ईशानी मेरे साथ साइड में आ जाती है। मैं बोलती हूँ कि एक बात बताओ, ये क्या था, तुम किसी और के साथ इस तरह। कहती है, अरे कुछ नहीं, उसने बस मुझे ऑफ़र किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बस इसमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है आपको। नहीं, मुझे इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है, तुम कभी ऐसा कुछ करती नहीं हो, बस इसलिए अजीब सा लगा। ओके, अब आप मुझे, मैं कुछ पूछूं बताएंगे, हाँ पूछो, सच बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल सच ही बोलूँगी, ऐसे क्यों कह रही हो, मैं तुमसे क्या झूठ बोलती हूँ हमेशा। पता नहीं क्या मतलब। तो कहते हैं कि इतनी देर से आप दोनों वॉशरूम में करके आ रहे थे। यार मैं जस्ट बात कर रही थी उससे, तुम्हें भी पता है ना ईशानी। तभी संजू आगे कहती है,
ईशान यार उसकी गर्लफ्रेंड ना ठीक नहीं है, और कहते है चलो उधर अक्के के पास बताऊँगी। उसका हाथ पकड़ के उसे अक्के के पास ले जाती है, तो वहाँ बैठाती है। ईशानी कहती है क्या हुआ? देखिए यार वो लड़की ना वाकई ठीक नहीं है, और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुम्हें ये बात कैसे पता? कहती है बस वो उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं, उसके पैसों की वजह से, उसके प्रेस्टीज की वजह से उसके साथ है, बाकी उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। पता है तुम्हें वो एक नंबर की चापड़ी है, वो लड़की अच्छी नहीं है यार, मेरा भरोसा करो। तो वो कहती है रहन दो, तुम बस उसे पाने के लिए कुछ भी बोले जा रही हो। कहती है कुछ भी नहीं बोले जा रही हो, मेरे पास जो है ना प्रूफ है, ये देखो तुम, ये देखो, ये कह के वो एक वीडियो बनाती है मेरी और एमली की, और वो वीडियो उसे दिखा देती है। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ईशानी की त्योरियाँ छिड़ती हैं। वो एक बार वीडियो देखती है और एक बार मुझे, एक बार वीडियो देखती एक बार मुझे। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इस बदतमीज ने वो वीडियो बनाई है जो उस लड़की ने मुझसे कहा था। मैं अपना सर पकड़ती हूँ और कहती हूँ यार इसने तो मेरी लंका लगवा दी आज। मैं संजू को जोर से मारती हूँ पीछे एक मुक्का, ये तो तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने कहा था ये बात ईशानी को पता नहीं चलेगी और तूने वीडियो दिखा दी यार। तो संजू अपने सर पे हाथ मारती कहती शिट यार, मैंने एक्साइटमेंट में तेरी एक्साइटमेंट मेरी लंका लगा देगी अब। तेरा दिमाग खराब है क्या? अक्की उस वीडियो को देखती, फिर मुझे देखती, उस वीडियो को देखती, फिर मुझे देखती, और मैं मतलब मेरी वो स्थिति हो गई थी कि भगवान धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊँ। ये देखते ईशानी का गुस्सा बढ़ता है और वो फ़ोन संजू के हाथ में थमाती है, बिना मुझे कुछ कहे वहाँ से बाहर चली जाती है। पीछे पीछे अक्की भी जाती है लॉन्च के बाहर ही। मैं जल्दी से दौड़ के उसके पीछे जाती हूँ, कहती हूँ सुनो ईशानी मेरी बात तो सुनो। कहती है बस ऐसे उंगली करती है और कहती है, उसका इशारा होता है कि मुझसे दूर रहना। मैं कहती हूँ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, देखो मेरी कोई गलती ही नहीं थी। कहती हूँ मैंने देख लिया, मुझे आपसे कोई फालतू की दलील नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई फालतू की बात नहीं करनी, जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, जाओ ना, आपके तो कोई पार्टनर है ही नहीं तो मेरे साथ आप कर क्या रहे हो, जाओ अपने पार्टनर के पास जाओ, मैं आपकी पार्टनर थोड़ी ना हूँ। कहते हो यार मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम तो समझने की कोशिश करो, ये सब संजू की वजह से हुआ है, संजू की वजह से हुआ है। संजू कल को आपको कहेगी मुझे छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे? ईशानी तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो इस बात को इस तरह से क्यों सामने लेके आ रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, जानती थी अब नहीं जानती। आप उससे फ्लर्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब उसने पूछा रही इन रिलेशनशिप आपने क्या कह दिया नहीं, डू यू हैव एनी पार्टनर आपने कह दिया नहीं, सीरियसली मतलब सच में मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, सच में उम्मीद नहीं थी। तभी संजू भी बाहर आते, मैं संजू को देखती हूँ, कहती हूँ संजू बोलती क्यों नहीं है यार, सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तो रेडी भी नहीं थी इस चीज़ के लिए। तो संजू कहते हैं ईशानी वो सच में, ईशानी संजू को इशारा करती है कि आप चुप रहिए। कहते हो यार अब तो उसे भी चुप करा दोगे तो पता कैसे चलेगा? ईशानी कहती है मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, बात ख़त्म है, मुझे कुछ पता करना ही नहीं है, आप जाइए उसके साथ, वन नाइट स्टैंड का ऑफ़र मिला हुआ है आपको, जाइए एक्सेप्ट कीजिए, जाइए ना। मुझे बहुत सुनाती है, मैं कहती हूँ तुम मुझे बेवजह बिना बात के सुना रही हो इतना,
जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, तब भी तुम मुझे इतना सुना रही हो। ठीक है तो फिर चली जाती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है नहीं। जब मैंने बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसके बावजूद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, तो फिर वो गलती दोहरा ही देती हो ना। गलती कर लूँगी, फिर मुझे सुनाना, डांटना, पनिशमेंट देना, जो मन में आए करना, तब मुझे अच्छा भी लगेगा। बट ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि बिना गलती के मैं सुन रही हूँ। इंसान गलती करता है तो सुनता है, लेकिन बिना गलती के कोई इंसान सुने तो वो पागल ही कहलाएगा। तो मैं पहले जाके गलती कर देती हूँ, उसके बाद तुम मुझे सुनाना। ये कह के मैं वहाँ से मुड़ती हूँ तो ईशानी तुम से मुझे पीछे से पकड़ कर खींचती है अपनी तरफ, पीछे कॉलर पकड़ती है मेरा, पीछे से खींचती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी ये बात बोलने की। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है तुम आप पे, मुझे नाराज़गी है आपसे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो आप उस लड़की के पास जाओगे, आपकी तो आप रुको ज़रा सब्र करो। कहते हो अब तुम ही तो मेरी बात नहीं सुनने को तैयार हो। हाँ तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी तो आप इस तरह की हरकत भी उतारू हो जाओगे। आपकी तो आप बस रुक जाओ, मैं अभी आपको बताती हूँ। वो इधर उधर देखती है तो संजू कहीं से कुछ उठा के ला के उसके हाथ में दे देती है, मतलब थोड़ा एक हाथ का डंडा सा होता है। वो कहती है, मैं कहती हूँ ये तुझे कहाँ मिल गया बे। कहती है वो उधर कोने में पड़ा था। मैं कहती हूँ तू एक तो तेरी वजह से मैं फंसी हूँ, ऊपर से तू मुझे पिटवा रही है, तेरा दिमाग ख़राब है। इधर वो कहती है, ईशानी कहती है आज तो आप मेरे हाथों से गए, बड़ा शौक चढ़ा है ना आपको किसी के पास जाने का, आज मैं भेज के रहूँगी आपको किसी के पास। कह के वो दो चार छड़ी लगाती है, मैं वहाँ गोल गोल घूमती हूँ। मैं कहती ईशानी यार मेरी कोई गलती नहीं है, तो एक तो तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, ऊपर से तुम इस तरह से मुझे बोले जा रही थी। अरे यार लग रही है ईशानी, यार लग रही है, सच में लग रही है, बहुत तेज लग रही है, प्लीज़ मत करो ना। तो ईशानी ने दो चार डंडे मार के डंडा फेंकती है और ऐसे मुझे जोर से अपनी तरफ खींचती है और कहती है सपने में भी किसी की तरफ जाने के लिए सोचा ना, मैं आपकी जान ले लूँगी, ये याद रखना बस। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आपको शेयर नहीं कर सकती। सपने में भी नहीं सोच सकती मैं किसी को आपके साथ, तो आइंदा ये मत कहना। समझ में आया? मैं सर हाँ में लाती हूँ और हल्की सी आहार निकालती हूँ। उसे कहती हूँ, ईशानी कहती है ज़्यादा तेज लग गई। कहती हूँ मारोगी तो लगेगी ना यार, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना, ये तो ऐसी हरकतें मत किया करो ना, इतने में हम लोगों की नज़र पड़ती है कि अक्की कहाँ गई, अक्की हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही होती। तो संजू कहती है ले गई भैंस पानी में, हद हो गई यार, अब इस अक्की को कहाँ ढूँढे। हम लोग अक्की को ढूँढना स्टार्ट करते हैं। कहते शानी कहती अभी तो यहीं खड़ी थी, आज सड़न कहाँ चली गई। तो संजू कहती है यार पता नहीं कहाँ चली गई, दिमाग खराब हो रहा है यार, पता नहीं कहाँ गई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, अक्की कहाँ चली गई। और फिर हम लोग अक्की को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, अक्की हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही होती, कहीं भी नहीं। और ढूंढते ढूंढते हमें आधा घंटा हो जाता है, हम लॉन्च के अंदर ढूंढ के दोबारा आते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती हमें, इधर उधर देखते हैं कहीं नज़र नहीं आ रही होती, हम लोगों की टेंशन बढ़ने लगती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।